गाइज, इस कलयुग के अंदर एक काले कंबल वाले बाबा अभी प्रसिद्ध हैं और पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में इनकी चर्चा फैल रही है। चारों ओर सभी लोग आप एक दूसरे के मुंह से सुनते हैं काले कंबल वाले बाबा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे दिव्यांग, हाथों के, पैरों के या आँखों से अंधे, या मानसिक रूप से भी कई प्रकार की बीमारियां होती है, कैंसर तक की बीमारियां बताते हैं लोग के इनका इलाज होता है। लेकिन दोस्तों, रियल बात में इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आप लोगों को पूरा मिस मत करना। तो दोस्तों, यह है निःशुल्क धार्मिक शिविर है। अभी वर्तमान में ये पालड़ी एम शिवगंज सिरोही जो 6 नवंबर तक ये कैंप रहेगा, क्योंकि ये हर एक महीने में बदलता रहता है जगह और जिला वगैरह, हो सकता है राज्य भी बदल दे ये लोग। लेकिन जहाँ भी इनका कैंप रहता है केवल एक महीने के लिए रहता है। वर्तमान में ये भी जो 6 नवंबर आ रही है, 6 नवंबर 2022 तक इनका कैंप पालड़ी एम जिला सिरोही जो सुमेरपुर और शिवगंज के पास में। दोस्तों, काफ़ी दूर दूर तक के लोग आ रहे हैं अभी, और हम जाएंगे अंदर पूरे कैंप में, यहाँ की पूरी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा अंदर हकीकत में इनका इलाज होता है नहीं होता। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दरबार के अंदर, और यहाँ पर जो बाबा है वो विभिन्न तरह के दिव्यांग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाथों से, पैरों से, आंखों से अंधे, मानसिक रूप से कई बीमारियां। अभी आपको दिख रहा होगा जो भगवा कुर्ता पहन रखा है बाबा है, और कंधे पे इनके काला कंबल है, इसलिए इनको काला कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध जानते लोग। और अभी हम यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं जो बताते हैं यूट्यूब के अंदर, कई लोगों को ये खड़े कर देते हैं, हाथों को सही कर देते हैं, मानसिक बीमारी को सही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम देख रहे हैं, और लास्ट में पूरा एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं आप लोगों को, आने से पहले यहाँ किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और किस किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास में अधूरा जानकारी रहेगी, और आप यहाँ पहुँच जाओगे, कई प्रकार की समस्या आएगी, और एक वापस भी आप असंतुष्ट होकर भी आना आ सकते हो। इसलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट समझना। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, बाबा उनका इलाज कर रहे हैं, और अभी दिखाएंगे एक और एक वीडियो और दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे बाबा ने इसके ऊपर कम्बल रख दिया, अब इसके जो पैरों में और हाथों में समस्या है, तो बाबा उसके पैरों को देख रहा है, पैरों को दबाया, हाथ को भी ऊपर उठा के इसको मोड़ देगा। और क्योंकि इस बाबा के ऊपर क्या है कि माता रानी का आशीर्वाद है ये, और माता रानी के आशीर्वाद से इलाज करता है। लेकिन दोस्तों, ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ इलाज सभी का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ आती है, और मैं पूरी नाइट यहाँ रुका हूँ और कई लोगों से मिला भी हूँ। लेकिन दोस्तों, यह क्या होता है कि अगर बाबा, क्योंकि बाबा सिंगल अकेले हैं और लाखों की, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो इनके पास भी समय नहीं है। अब आप देख सकते हो कि एक आदमी के लिए इन्होंने मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम नहीं दिया। अगर बाबा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर भीड़ कम आए और बाबा प्रॉपर तरीके से देखें, इनका जंतर मंतर तंत्र जो भी है वो उनके ऊपर पूरा नियम लागू हो, तब तो इलाज होने की संभावना। लेकिन दोस्तों, कई लोगों से हम मिले हैं तो कहीं तो बोलते हैं कि हमारा इलाज हुआ, लेकिन कई ऐसे भी मिले हैं जिनको किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं हुई। क्योंकि सभी को मैं, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, क्योंकि यहाँ पे जिनका लक और किस्मत सही है उनका ही इलाज होता है। दूसरा एक और बता दूँ दोस्तों, यहाँ लगभग 5 दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि बाबा एक दिन तो जो मरीज होता है उसके ऊपर कंबल रखता है, 3 दिन अभी जो ये बैठी है महिला और ये जो बीमार लोग, यहाँ पे 3 दिन यहाँ रुकना पड़ता है, और 5वें दिन साइड वाले पोर्शन पर, वहाँ 5वें दिन यहाँ से फ्री करता है। एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ गाइज, यहाँ हवन करवाया जाता है, जिसमें हवन में ये सामने दिख रहा है, इस बैरिकेड के आगे हवन का भी पांडाल बना हुआ है। वहाँ पे एक आदमी से 500 रुपये लेते हैं, आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो तो हवन करवा सकते हो, क्योंकि एक दिन में केवल 108 आदमियों का हवन करवाते हैं। और दूसरा, यहाँ भंडारा भी निःशुल्क है। लेकिन दोस्तों, यहाँ है ना, कई बार हम लोग चले जाते हैं लेकिन हम जाने के बाद पछताते बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होने की वजह से समस्या आती है। क्योंकि यहाँ एक तो 5 दिन रुकना पड़ता है, और ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है, और कैसा यहाँ का क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों, पहले यूट्यूब को पूरा देखना मेरे इस वीडियो को, अगर सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं खुद जाके आया हूँ और किसी को लेके गया हूँ कि दोस्तों, लेकिन जिसकी श्रद्धा है और जिसका किस्मत है ना, उसी का ही इलाज होने की चांस रहते हैं, बाकी 99% सभी का इलाज नहीं होता है। ये और बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ, क्योंकि सभी दुखे आदमी आते हैं अपने अपने बच्चों को, जो जो भी है दिव्यांग मरीज है उसको लेकर के, क्योंकि सबके आशा रहते हैं कि बाबा के पास में चलेंगे और वहाँ पे इलाज होगा। लेकिन सभी का भी इलाज नहीं होता, ये भी नहीं कह सकते कि इलाज नहीं होता, इलाज भी होता, लेकिन जिसका कि किस्मत और लक है, और बाबा ने उसके ऊपर पूरा जंतर मंतर तंत्र ध्यान दिया, क्योंकि बाबा
के पास में भीड़ इतनी जाती है कि बाबा को खुद को समय नहीं मिल पाता है। और तो दोस्तों यहाँ 5 दिन तो आपको रुकना पड़ेगा, अगर आप किसी को लेके जाते हो तो। हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि दिव्यांग जो हाथ और पैरों से है उसके एक बार जरूर ले जाना, 5 दिन रुक के आना। और जो यहाँ बताते हैं बाबा, ये अभी दान पात्र है, पब्लिक अपनी श्रद्धा से दान दे रही है। बाबा एकदम साधारण आदमी, बिल्कुल भी महात्मा जैसे बिल्कुल नहीं, कोई संत मूंगा रुद्राक्ष माला वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी जगह है, मैंने खुद ने देखा, और आप लोग भी अपने एक बार जो हाथों से पैरों से दिव्यांग उसको तो जरूर ले जाना। और मैंने बता दिया पूरे 5 दिन यहाँ रुकना पड़ता है, और आपकी किस्मत हो, आपकी लक है जब तो हो सकता सही, नहीं बाकी है वैसे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसा लगा मेरा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो और सभी लोगों को।